आज के वीडियो में बात करूंगा स्टैंड अप कॉमेडी का जो स्टैंडर्ड इंडिया में गिरता जा रहा है उसके बारे में, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि जब ये लोग ऐसे स्केच तैयार कर रहे होते हैं या फिर ऐसी डिलीवरी कर रहे होते हैं स्टैंड अप कॉमेडी के वक्त, उस वक्त इनकी मानसिकता क्या होती है और ये किस तरह सोच रहे होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर कुछ भी समझ में आए तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसी ने तो सब्सक्राइब करके रख लो। स्टैंड अप कॉमेडी, कॉमेडी का सबसे ज्यादा टफ वर्जन होता है। कहा जाता है कि जिसने स्टैंड अप कॉमेडी कर ली वो कुछ भी कर सकता है। स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान आपको स्टेज पर जाकर 40-50 मिनट ऑडियंस को बांध के रखना होता है और अपने एक स्केच पर ऑडियंस को हंसाना होता है। आपके पंचेस इस तरह के होने चाहिए कि वहां पर साइलेंस पैदा ना हो, ऑडियंस आपसे इंटरेक्ट करती रहे और हंसती रहे। तो इसलिए आजकल स्टैंड अप कॉमेडी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। पहले ये विदेशों में ज्यादा फॉलो होता था, बट अब ये इंडिया में बहुत टाइम से देखा जा रहा है। लेकिन इंडिया में कुछ अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियंस भी हैं, बट जो बुरे हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो लोग बुरे हैं उन लोगों का क्या रहता है, उन लोगों को कुछ एजेंडा टाइप का चला रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को देखा जा रहा है कि कुछ नहीं तो हिंदू जो देवी देवता हैं, जो भगवान हैं, उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा ये लोग बोल देते हैं और सोचते हैं ये कॉमेडी है, इससे लोग हंसेंगे। बट ये लोग ये भूल रहे हैं कि ये लोग यार क्या कर रहे हैं, ये लोग किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग किसी और धर्म के बारे में या किसी और रिलीजन के बारे में ऐसा बोल के देखें तो फिर उनको पता चलेगा कि क्या होता है ऐसा बोलने पे। यहां पे क्या होता है कि ना, हम लोग ऐसी चीजों को नजरअंदाज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वीडियो को रिपोर्ट मार देंगे या कमेंट में गाली बक देंगे। लेकिन जो एक्शन होता है ना, जो प्रॉपर एक्शन लिया जाना चाहिए, वो हम लोग लेते नहीं है। और यही एक वजह है इन लोगों को सबसे सॉफ्ट टारगेट जो मिलता है हिंदू देवी देवताओं, भगवानों और बाबाओं पे, जो अच्छे लोग हैं उनके बारे में बोलने पे इन लोगों को सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट मिलता है और ये लोग उस पे कॉमेडी करते हैं, जबकि ये लोग बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। और मैं आपको ऐसे कुछ कॉमेडियंस के बारे में बताऊंगा, और साथ ही कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जिनके बारे में मैं आज बताने वाला हूं। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आ जाते हैं वीरदास। सो इट वाज राम, लक्ष्मण एंड सीता इन द फॉरेस्ट टुगेदर फॉर 14 इयर्स। दैट्स अ फैक्ट। डिड यू नो that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're feeling well, Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Ram, can you get your creepy brother out of here, please? You know what, go to the forest and get me a deer. Sometimes some Hindus will drink the piss of a cow because they believe that it has medicinal properties. Shall I be honest with you? I tried it. Yeah, just to write this joke, I tried it. And it didn't taste that bad. I just had like logistical questions. Are there mutra experts? If your faith is so rattled by a joke, is it really that strong? You believe in your God? You worship your God? तो ये थे वीरदास, और ये अपने नाम के आगे लगाते हैं वीर, और ये कतई वीर नहीं है जिस तरह के ये जोक्स मार रहे हैं। और मुझे तो ये सोच के हैरानी होती है किस तरह की ऑडियंस वहां पर बैठी है जो हंस रही है, वहीं के वहीं क्यों नहीं लोगों को सबक सिखाया जाता है। यार वही बात है ना, अपने कुछ लोग भी ना यार इस तरह के हैं जो हर चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। अभी देखना, इस वीडियो के बाद भी कुछ ऐसे कमेंट्स आने वाले हैं, आप जरूर पढ़िएगा, जिसमें लोग कह रहे होंगे क्या हो गया, इट्स अ जोक यार, इसको ऐसे लो। और वीरदास ने भी ऐसी ही कुछ स्टेटमेंट दी है। वीरदास ने भी यही कहा था कि अगर किसी के सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं तो उनके बिलीव्स वीक हैं। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो यार, बच्चे भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, और ये आपको धर्म ही मिले हैं आपको, हम लोग का ही कुछ ऐसे ही कुछ लोगों को कुछ धर्म मिले हैं आपको टारगेट करने के लिए, और कुछ नहीं आपको मिला। और मैं तो कहता हूं किसी भी धर्म पे आपको जोक मारने का किसने अधिकार दिया, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो, आपको जोक्स मारने के लिए क्या कोई और टॉपिक नहीं मिला है यार? लोगों सेंटीमेंट्स होते हैं, आपको थोड़े स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। ऐसा ही एक कॉमेडियन था कुणाल कामरा, जिसने एक बार ऐसी गलती की थी और भगवानों पे मजाक बनाया था। उसके बाद उसको ऑडियंस ने बाहर पकड़ लिया और खूब गाली गलौज हुई और सॉरी बुलवाया गया। और इसके बाद से इसने एक एजेंडा पकड़ लिया, बीजेपी बीजेपी, और उसी के पीछे वो पड़ा रहता है। तो चलो उसकी उसकी मर्जी है, वो पड़ा रहता है, उसका कॉमेडी का वो स्टैंडर्ड होगा, वो कर रहा है और उसकी ऑडियंस को मजा आ रहा है,
कुछ लोग हैं जो पॉलिटिकल एजेंडा भी चलाते हैं, उनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज का जो वीडियो है वो किसी और टॉपिक पर है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक यूट्यूबर है जिसका नाम है KRK, जो कि बहुत ही बुरी इमेज है जिसकी मुझे नहीं लगता कि कोई भी बंदा उसको फॉलो करता होगा। इसने एक वीडियो बनाया था बाबाओं के ऊपर जिसमें सदगुरु को टारगेट किया था, और इसके बाद इसने सारे जितने भी हैं ओशो और जितने भी रिलीजियस गुरु रह चुके हैं सबको टारगेट किया, और इस तरह की पोल लैंग्वेज का इसने यूज किया था, जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इस बंदे का वीडियो यहीं पर रिपोर्ट और उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, क्यों होगा यार, इसने बाबाओं को टारगेट किया है, एक्शन क्यों होगा, नहीं होगा ना। तो यही हम लोग की मानसिकता है और हम लोग इन तरह के जोकों पे हंसते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने ओपिनियन बताएं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे कुछ और कॉमेडियंस हैं जिनके बारे में मैं अब ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, आप बेसिकली समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या है ना, बात यह है, अगर एक बार एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा तो लोगों की हिम्मत नहीं होगी, और हिम्मत होना बंद हो जाएगी तो ये हमारे लिए अच्छा है। रीज़न ये है क्योंकि बच्चे भी देखते हैं और बहुत से लोग देखते हैं, वो लोग को लगेगा यार ये चीज़ बहुत लाइटली है, कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। तो भैया इस वीडियो को शेयर करें, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी।